एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आई होप आप लोग अच्छे होके बढ़िया होके। तो जी मेरे चैनल होम कनिशा में आप लोग का स्वागत है और मेरा नाम हनीशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे मॉर्निंग है और सुबह से बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। तो जब मैं 4 बजे उठी और पार्क जाने के लिए तो बहुत मतलब मैं बालकनी में खड़ी हुई थी, इतनी प्यारी हवा चल रही थी और बाहर भी मौसम बहुत अच्छा था। जब मॉर्निंग में उठी तो ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो जी बस वही अपना रोजाना का काम जो भी था, मंदिर का और पार्क वगैरह का सारा हो गया है। और अब आके मैं जस्ट सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज करे और कपड़े चेंज करने के बाद फिर मैं लगी हूँ बच्चों का टिफ़िन रेडी करने में। अच्छा, यहाँ मैं भिंडी की सब्ज़ी ना रात को ही मैंने मतलब मार्केट से भिंडी लेकर आई थी और रात को ही मैंने कट करके रख दी थी, क्योंकि देखो सुबह टाइम नहीं होता इतना। तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ी ही बना कर गई थी, मैं जब पार्क गई थी सब्ज़ी आटा करके गई थी। तो यहाँ भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और भिंडी और पराठे बच्चों को देने हैं। और कल कार्तिक ने पहले ही मेरे को बोल दिया था कि सुबह टिफ़िन में भिंडी बनाना, नहीं तो राजमा चावल। तो राजमा चावल तो आज मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि हस्बैंड जी का फास्ट है और फिर मेरे को यही लगता है कि जब इनका फास्ट है तो हम भी क्यों ही बना के खाएं, जब कल बना लूँगी तो ये भी खा लेंगे ना। तो यहाँ पे वही रोज़ाना की तरह सबसे पहले मैं गौग्रास निकाल रही हूँ और सुबह का टाइम है, इतनी जल्दी जल्दी मतलब समय निकलता है पता ही नहीं चलता कि काम इतने सारे होते हैं और एक अकेला इंसान क्या क्या चीज़ हैंडल करे। तो हम हाउसवाइफ कितना काम करती हैं, मतलब मल्टी टैलेंट बोल दो, सारे काम अकेले ही समेटना, करना, नाश्ता, टिफ़िन, मतलब बच्चों को देना और घर को देखना कि क्या घर में मतलब कोई भी चीज़ है। कपड़ों की मशीन में मतलब लगा गई थी तो अब मैंने सेकंड लॉट उसके अंदर डाला है आके जब अपने चेंज करे हैं। तो इतने सारे काम करने को तैयार रहते हैं, मतलब अगर करना चाहो तो, अगर नहीं करना तो उसके लिए कोई वो ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी आलस दिखाओगे तो फिर काम हमारे कैसे ही होंगे। वही होता है ना कि हम आज का काम अगर कल पे छोड़ देते हैं तो काम हमारे ना फिर वही होता है, डिले पे डिले होने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाते हैं। अगर मैं रोज़ कपड़े ना धोऊँ, अगर हफ्ते में धोऊँगी एक बार तो बहुत सारे मेरे कपड़े हो जाएंगे, तो फिर भाई मैं कैसे धोऊँगी? और इतने सारे कपड़े तो अपने बस की नहीं है धोने, तो इसीलिए मैं रोज़ाना ही धो लेती हूँ। रोज़ के कपड़े धुल जाते हैं तो टेंशन फ्री, कोई टेंशन ही नहीं है कि हमारे मतलब मशीन में कपड़े ढेर हो रहे हैं। तो ये लॉन्ड्री का काम तो सबसे ज़्यादा मतलब इतना ज़रूरी है कि रोज़ ही मशीन लगती है और रोज़ाना के सारे जो क्लोथ्स होते हैं और वो धुल भी जाते हैं। और यह होता है ना कि हम हाउसवाइफ अगर आलस कर जाएं तो आलस को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आलस दिखाने से कोई काम नहीं होगा, काम करने से ही बनते हैं सारे। चाहे कोई भी काम हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ाई का हो, तो किसी भी काम को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, जितना हो सके करें जो शरीर से हो, और जितना हम अपनी इस बॉडी से काम ले लें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना चलता रहता है ना शरीर उतना ठीक रहता है। तो जी चलिए, यहाँ मेरे गरम गरम परौठियाँ रेडी हो गई हैं। तो सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगेगा और आज ना जैसे प्याज वाली भिंडी बनाई है तो आज उनको दूध और पराठे का ही भोग लगा देंगे, क्योंकि सब्जी फिर वैसी हो गई है इसी वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने गौग्रास निकाला था और अब बस टिफ़िन के लिए मेरे को रेडी करने हैं जल्दी जल्दी पराठे, और इन्हीं दोनों के बनाने हैं। और इस महाराज जी का तो टाइम भी हो गया बड़े वाले का, और बस यही रहता है कि जल्दी जल्दी हम सुबह के टाइम कितना जल्दी हो सके अपने नाश्ते से लेके और ये कपड़े धोने का और बैल्कनी वगैरह साफ़ करने का बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ये वाले काम ना गिनती में भी नहीं आते, जैसे बैल्कनी साफ़ करनी है, मशीन लगानी है और कुछ भी है, चाय बनानी है, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो कभी गिनती में नहीं आते कि हाँ ये भी कुछ काम है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बाप बेटे पूजा कर रहे हैं और मैंने यहाँ भोग लगा दिया था। तो हमारे यहाँ मंगलवार को अंगारी पे भोग लगता है, वही हनुमान जी बाबा का, तो वही लगा रहे हैं ये। और कार्तिक भी पूजा कर रहा है और इसके बाद इसको नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि इसका टाइम हो गया है जाने का। तो जी बस ये था सुबह मॉर्निंग में जो बच्चे जाते हैं। तो अब मैं लगी हूँ अपने घर के काम करने में, और काम क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे डस्टिंग से। तो 30 मिनट अगर हम अपने घर की डस्टिंग में और सारी चीज़ों को उठा के रखने में कर लेना तो हमारे काम इतनी जल्दी जल्दी होएंगे, हम खुद सोचेंगे, और घर भी हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो यहाँ पे पहले मैं सब पूरे रूम की ये डस्टिंग कर रही हूँ, मम्मी वाले रूम की, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है इतने आंधी तूफान चल रही है कई दिन से, बहुत ही ज़्यादा बेकार मौसम हो रहा है ना, ऐसे लगता है कि
जैसे सफाई करी नहीं है आज मैंने, ऐसे रोज आना, और सफाई को तो रोज ही मेरे घर में सफाई होती है, झाड़ू पोछा। कोई दिन ऐसा होता होगा जब मेरे घर में झाड़ू पोछा नहीं होता, और आंधी तूफान इतनी हो रही है। तो यहाँ मेरा क्या है कि मैं एक एक रूम को ऐसे ही आज क्लीन करती चल रही हूँ, बाद में पोछा लगाने का कुछ नहीं सोच रही, दिल कर रहा है बस ऐसे ही जल्दी जल्दी एक एक रूम की सफाई करती चलूँ। तो इधर मैंने छज्जा वगैरह भी साफ कर दिया था। अच्छा, ये जो मैं डस्टिंग वाला टॉवल डे रखती हूँ ना, तो जहाँ मुझे डस्ट दिखता है सुबह के टाइम जब भी है, तो मैं सब जगह, मतलब मेरी आदत बन गई है कि मैं डस्टिंग करती चलती हूँ। इससे क्या होता है कि वही है कि फिर मतलब ढेर धूल नहीं इकट्ठी होती, रोजाना ही हम बिल्कुल साफ करते रहे ना, तो कहीं भी जैसे स्पॉट लगे हुए हैं किसी भी अलमीरा पे, किसी भी गेट पे, किसी भी मेन डोर पे, तो रोजाना ही जब ये हम छोटी छोटी सी चीजें अगर हैंडल करके चलेंगे तो बिल्कुल भी हमारा घर गंदा नहीं होगा। तो चलिए, अब मैं आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में। तो यहाँ एक एक रूम करके मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो ये इस रूम में भी डस्टिंग हो रही है। और सबसे पहले मैं कर रही हूँ यहाँ बच्चों के रूम में ड्रेसिंग को क्लीन। और ड्रेसिंग का भी क्या है, ये मैट जो मैंने बिछा रखा है ना, बच्चे, अच्छा यहाँ पे बच्चे रोज़ जब बाल वगैरह काटते हैं और सारी चीज़ें इधर से उधर कर देते हैं, तेल की शीशी हो गई, पाउडर हो गया, क्रीम हो गई, तो कोई भी चीज़ एक जगह नहीं रखते, तो मॉर्निंग में एक बार तो बनता है कि हम अपने ड्रेसिंग को अच्छे से साफ़ कर दें, जिससे कि पूरा दिन हमारा ड्रेसिंग साफ़ रहे। तो ये मैंने यहाँ पे रेक्सिन बिछा रखी है बिल्कुल मैट, और ये भी ना अब थोड़ा ख़राब होने लग गया है। तो अब की बार दिवाली पे मैं ये यहाँ के लिए ना पूरा मतलब मैट लेकर आऊँगी इधर इस जगह के लिए। अच्छा, मैट बिछाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि जब भी जैसे बच्चे ये तेल वगैरह ज़्यादा लगाते हैं तो बिल्कुल जो गिरता जाता है ना, और हम अगर रोज़ाना ही इसको साफ़ करते रहते हैं तो ठीक रहता है, अदरवाइज़ क्या होता है पूरे ड्रेसिंग पे चिकनाई चिकनाई हो जाती है। तो अब ये मैंने ये जो मेरे मतलब एलईडी पैनल की ये दो ड्रॉर हैं, इनको भी मैं बिल्कुल ना साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें मैंने रखी है सॉक्स वगैरह रख रखे हैं बच्चों के डेली के सामान, क्योंकि ये सॉक्स का क्या है, मैं अगर अलमीरा वगैरह में रखती हूँ ना तो इन लोगों को कभी भी मिलती नहीं है, और मॉर्निंग में फिर ये मेरे को इतना मतलब परेशान कर देते हैं, मैं किचन में लगूँ कि इनके सारे कपड़े वगैरह निकाल निकाल के दूँ। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इनकी ड्रॉर को ये बना रखा है। तो ये सारी सॉक्स, अच्छा इसमें से तो दो एक सॉक्स ना फट भी रही थी। तो ऐसे जब हम सफाई करते हैं तो मतलब जो फेंकने वाला सामान भी होता है या एक्स्ट्रा कुछ है तो वो भी निकल जाता है हाथों हाथ। तो ये ड्रॉर को मैं ठीक कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ डुगू के साइज़ की ना दो छोटी सॉक्स भी निकली थी, तो वो मैं किसी को ज़रूरतमंद को दे दूंगी, कोई भी अगर वैसे बच्चे वगैरह घूमते हैं छोटे किसी को भी। तो यहाँ पे ये सारे हैंकी वगैरह को मैंने फोल्ड करके रख दिया है, ये डुगू के हैं छोटे छोटे हैंकी, और ये सारी सॉक्स भी मैंने एक तरफ रख दी है। और जब ड्रॉर ये साफ़ हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि हाँ हमने कितना ढंग से क्लीन कराया है। बट अभी बच्चे जब आएंगे तो ये बिल्कुल ख़राब कर देंगे इन सारी ड्रॉर को। ये भी मतलब हर मतलब 4-5 दिन में या हफ्ते भर में तो मैं क्लीन करती हूँ, और बच्चों का काम क्या है मतलब फैलाना, और भाई होएगा भी, क्योंकि बच्चे जिस घर में रहते हैं उस घर में तो बखेड़े होने ही हैं, घर गंदा होने ही है। और इसके अपोजिट अगर कोई नहीं रहेगा घर में तो फिर घर ही गंदा नहीं होगा, कुछ काम ही नहीं होगा, चाहे बच्चे हो चाहे हस्बैंड हो। हम औरतें तो फिर अपने लिए ही सोचते हैं चलो अचार से पराठा बनाया और खा लिया, तो जब रहते हैं तो गंदगी तो होनी ही होनी है। और इस ड्रॉर में भी बहुत सारे इन लोगों ने ना छोटे छोटे सामान इकट्ठे कर रखे हैं, जैसे कुछ भी मतलब क्या होता है ड्रॉर का हमारे, मैं तो ज़्यादातर मैक्सिमम सबके घरों में ही देखती हूँ, ये जो हमारे चाहे किसी भी चीज़ की ड्रॉर हो, पैनल की हो, अलमीरा की हो, किसी की भी हो, मतलब जो भी हम एक्स्ट्रा सामान होता है ना लाते हैं इसमें फेंक देते हैं, और वही सामान फिर जब नहीं निकालते तो धीरे धीरे ढेर होने लग जाता है, और उससे ही सारी ये हमारी जो मतलब कैबिनेट्स हैं मतलब रूम की, ये बिल्कुल ख़राब होने लग जाती है। और अब मैं आ गई हूँ बच्चों की अलमीरा क्लीन करने में। अच्छा, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये नहीं दिखती काम में कि हाँ ये काम की है। तो ये सारे हैंडल वगैरह पे इन्होंने ऑयल वगैरह के जैसे निशान लगा दिए थे ना, स्टील के हैं तो जैसे पकड़ो तो बहुत जल्दी गंदे दिखते हैं, तो इनको भी मैंने देखो कपड़े से बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और अब बारी आती है बच्चों का रूम क्लीन करने की। यहाँ मैंने बेडशीट झाड़ के बिछा दी थी, और अब मैं जल्दी से यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी इस वाले रूम में, और झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछे का काम रह जाएगा। तो देखो सारा काम होता चल रहे हैं,
और खाना आज मैंने कुछ बनाना नहीं है क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने भिंडी बना ली थी, तो भिंडी थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी है जो कि दोपहर का हम लोगों का काम चल जाएगा। और बस अब इसके बाद मैं पूरा यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी पूरे रूम में अच्छे तरीके से, और झाड़ू लगाने के बाद बस फिर पोछे पोछे का काम रह जाएगा। तो बस ये होता है कि 30 मिनट में अगर हम पूरा घर की डस्टिंग और ये सारी चीज़ मेंटेन करके भी रख देना, उससे भी हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन रहेगा। तो जी ये था एक छोटा छोटा सा हमारा, जो कहते हैं ना कि ये छोटे छोटे काम जो कभी गिनती में आते ही नहीं है। और ये सारे गेट्स को भी मैं बिल्कुल, सारी धूल आजकल इतनी उड़ रही है, इतनी उड़ रही है कि बता नहीं सकती। जो भी आप मतलब डोर खोलोगे ना, उस डोर पे ही धूल मिट्टी आपको चढ़ी हुई मिलेगी। तो यहाँ मैंने बेड पे भी जो थोड़ी बहुत डस्टिंग हुई थी, मतलब डस्ट चिपकी हुई थी, उसको भी मैं साफ़ कर दूंगी। तो यहाँ पे ये वाला रूम तो हो गया है मेरा पूरा। और अब आते हैं ये बाहर के वॉश बेसिन पे। तो जी आप देख ही सकते हैं काम कितने सारे हैं, और ये छोटे छोटे से काम, बस ये जब कह देते हैं ना हम कि हाँ झाड़ू पोछा करा है, तो झाड़ू पोछा ही नहीं होता, झाड़ू पोछा के साथ साथ बहुत सारे काम होते हैं। डस्टिंग हो गई, वॉश बेसिन क्लीन हो गया, गेट साफ़ करना हो गया, और बाथरूम साफ़ करना हो गया। तो इतने सारी चीज़ें होती हैं। ये क्लीनिंग सिर्फ एक ये वर्ड हमने बोल दिया है ना झाड़ू पोछा, ये झाड़ू पोछा सिर्फ झाड़ू पोछा ही नहीं है, झाड़ू पोछा के साथ जो इतने सारे काम हैं वो हमें कभी हम मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये कितने काम होते हैं छोटे 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 छोटे, जो कभी गिनती में आते ही नहीं है हमारे। तो चलिए यहाँ मम्मी वाले बाथरूम भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, और अब बस जल्दी से मैं ना हॉल में झाड़ू लगाऊंगी। तो हॉल साफ करने के बाद फिर मेरा काम रह जाएगा किचन का और मेरा बेडरूम। तो ये था मतलब, अब सुबह के 10:30 हो रहे हैं, और ये मैं सुबह हाँ चाय पीने के बाद में 9 बजे से लगी थी। तो बस यहाँ पे करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। अगर आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छा हॉल मेरा थोड़ा बड़ा है, और क्या हुआ था कि ये जो इधर बालकनी की तरफ का ना गेट खुला हुआ था, तो यहाँ से ही सारी एकदम हवा आई और सारा कूड़ा का कूड़ा उड़ गया, बिल्कुल पूरे हॉल में हो गया था। और झाड़ू मैंने ना वैसे लगा दी थी, और जब एक तरफ का गेट खुलता है तो पूरे ही घर में धूल मिट्टी घुस जाती है। अच्छा धूल इस वजह से भी कुछ ज़्यादा आ रही है क्योंकि हमारी ना सड़क टूटी हुई है, और जब से इन लोगों ने कुछ पाइपलाइन वगैरह डली थी, जब से पाइपलाइन डली है उसके बाद से कोई सही करने ही नहीं आया है।